घर में अगर कोई सब्जी ना हो तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं काले चने और आलू की सब्जी। इसमें आपको काले चने बिल्कुल भी नहीं दिख रहे और ना ही आलू दिख रही है, बिल्कुल ही अलग रेसिपी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैंने बहुत ही अलग तरीके से बनाई है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं, ना मज़ेदार की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। अच्छी लगी रेसिपी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा आपकी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ, और लाइक और कमेंट कराना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे हमने काला चना लिया है, इसे हमने अच्छी तरह से भिगो लिया है 5-6 घंटे के लिए और अच्छे से फूल चुके हैं। और यहाँ पे हमने हाफ कप लिया है, आप देख सकते हैं। इसे हम ले लेते हैं एक मिक्सर ग्राइंडर में, साथ में एक हरी मिर्च इसमें हम डाल लेते हैं। फटाफट ये रेसिपी बनती है दोस्तों, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में आधी चम्मच यहाँ पे जीरा डाल लेते हैं, ये 4 जनों के लिए सफिशियंट है। इतनी सारी सब्जियाँ तो ज़रूर करें। और इसे हमने ग्राइंड कर लिया है, जी हाँ, इसमें हमने बिना पानी डाले इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे अभी ये दरदरा ग्राइंड हुआ है। अब इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे जिससे इसका टेस्ट और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है, अच्छे से पील कर लिया है और इसे से धो के कट कर लिया। साथ में यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज भी लिया है, तो आधा प्याज इसमें हम डालेंगे और आधा प्याज बचा कर रखेंगे। तो डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से एक गाढ़ा पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, और इसे अच्छे से ग्राइंड करें। तो देखिए, इसे अच्छे से मैंने ग्राइंड किया है, बीच बीच में रोक कर इसे मिक्स करके ग्राइंड किया, तो ये बिल्कुल फाइन यहाँ हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है आलू और चना और प्याज का। इसमें अभी हम बहुत सारे मसाले ऐड करने वाले हैं। साथ में यहाँ पे हमने मिक्सर में 2 चम्मच और बचा कर रख लिया है इस मिक्सर को, उसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो 2 चम्मच अब बचा कर रख लें मिक्सर ग्राइंडर में, बाकी का निकाल लिया है इधर। तो इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, जैसे हल्दी पाउडर डालेंगे, तो हल्दी यहाँ पे हम 1/2 चम्मच डाल देते हैं। साथ में यहाँ पे हम मिक्स मसाला डालेंगे, आपके पास मिक्स मसाला है तो वो डालें, नहीं तो यहाँ पे मैंने भुना हुआ जीरा और धनिया का पाउडर है वो डाल रही हूँ, नहीं तो आप धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। तो 1/2 चम्मच इसकी क्वांटिटी कर लें, नहीं तो दोनों अलग अलग भी डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पे हम नमक डाल लेते हैं स्वाद अनुसार, तो 1 छोटी चम्मच ही नमक डालें, उससे ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो ज़्यादा नमक हो जाएंगे। तो क्योंकि सब्जी में भी हमने ग्रेवी में भी तो डालनी है ना नमक। अब इन तीनों को सभी को पहले मिक्स कर लेते हैं। साथ में यहाँ पे हमने 1/4 आमचूर का पाउडर ले लेना है, नहीं है तो आप यहाँ पे नींबू का रस डाल दें, नहीं तो चाट मसाला डाल दें, बहुत ही चटपटा टेस्ट आते हैं। साथ में हींग मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी, क्योंकि चने की सब्जी है तो किसी को पचने में दिक्कत होती है, तो हींग जरूर डालें, सुपाच्य हो बनेगा और पचने में भी आसानी होगी। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला था, आप शुरू में भी अदरक लहसुन डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद एक हमने स्टील की थाली ली है, उसे अच्छे से तेल से ग्रीस कर लिया है ब्रश से, और इस मिक्सर को अच्छे से डाल के इसमें हमने फैला देना है। अच्छे से यहाँ पे फैला दे चम्मच की सहायता से, कोई भी स्टील की थाली ले, छोटी सी थाली ले, देखिए इस तरह से हम यहाँ पे फैला देना है, अच्छे से फैल गया। चलिए अब इसकी ग्रेवी बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। तो ग्रेवी के लिए एक कढ़ाई लिया है और उसमें हमने 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल ले लेना है। अच्छे से तेल को गर्म हो जाने दें। इसमें अब हम डालेंगे जीरा, 1/2 चम्मच यहाँ पर हम जीरा डाल देते हैं। इसे अच्छी तरह से आपको चटकने देना है। यहाँ पे अब हम डालेंगे जीरा, अच्छी तरह से चटक जाए तो इसमें हम डालेंगे खड़े गरम मसाले। जैसे हमने यहाँ पे बड़ी काली इलायची ली है, साथ में यहाँ पे 2 लौंग लिए हैं, दालचीनी ली है, बस यही 3 गरम मसाले हमें 3 चाहिए। अच्छे से इसे इसमें फूटने देते हैं, यानी इसका फ्लेवर इन तेल में आने देते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से यहाँ पर गर्म मसालों का फ्लेवर इसमें आ गया, अच्छी तरह से इसमें भी ये मिक्स हो गया। अब यहाँ पर हमने 1/2 जो प्याज बचा कर रखी थी ना काट कर, वो 1/2 प्याज इसमें हम डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं प्याज हमारे। अब इसमें हम डाल देते हैं जो मिक्सर ग्राइंडर में हमने बचा के रखा था ना चना आलू प्याज का मिक्सर, 2 चम्मच वो हम इसमें डाल देते हैं। अभी मिक्सर ग्राइंडर में ये लगा हुआ है तो इसका यूज़ हम बाद में करेंगे, देखते हैं। तो 2 चम्मच डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं तेल में, इसे भी हमने भूनना है। साथ में यहाँ पे हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जैसे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं, 1/2 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर हम इसमें डालेंगे,
अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पे आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं कट करके। मैं यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ ताकि इसका कलर बहुत ही अच्छा है। तो लगभग आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा जो लाल मिर्च होता है वो भी डाल सकते हैं तीखे, और साथ में यहाँ पे आधी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल रही हूँ। अब इन सभी मसालों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। कलर बहुत ही अच्छा आता है कश्मीरी लाल मिर्च से, तो ज़रूर डालें। साथ में यहाँ पे हम एक चीज़ और डालेंगे जिससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए। जैसे इसमें हम डाल रहे हैं टमाटर, तो दो बड़े साइज़ के टमाटर को इस तरह से रफली कट कर लिया है, इसे भी डाल देते हैं और यहाँ पे इसे मिक्स कर लेते हैं। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। बहुत लोग को चने की सब्ज़ी खाने में, जैसे जिनके दांत नहीं है तो उन्हें खाने में प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह से अगर आप बना के देंगे ना तो उन्हें आसानी से खाने होती है, यानी अच्छे से आसानी से खा लेते हैं। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर अच्छी तरह से यहाँ पे गल जाए। तो मैंने एक चम्मच मिक्सर में डाला था और एक चम्मच यहाँ पे हम सब्जियों में डाल देते हैं। तो नमक का खास ख्याल रखेंगे। डालने के बाद यहाँ पे जो हमने मिक्सर ग्राइंडर में जो बच गए थे ना मसाले, ये देखिए थोड़े से बच गए, उसे वेस्ट नहीं जाने देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम इसमें डाल देते हैं ताकि इसमें भी ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये लगभग चलाते चलाते इसमें जो हमने मसाले डाले हैं वो भी अच्छी तरह से यहाँ पे भून गए हैं। तो थोड़ा सा इसमें लगभग 1 कप के करीब हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। जी हाँ, 1 कप यहाँ पे हमने पानी ऐड कर दिया। इसे फिर से मिक्स कर देते हैं और इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी में पानी। 1 कटोरी लिया है मैंने स्टील की और उसमें पानी भर दिया है, उसे ले लेते हैं। और जो हमने प्लेट में डाला था ना चने का मिक्सर फैला के, उसे इसके ऊपर डाल देते हैं। इसे हमें स्टीम करना है दोस्तों। जी हाँ, तो ढककर इसे लो फ्लेम पे, जी हाँ लो फ्लेम पे इसे हम 10 मिनट के लिए स्टीम करें देंगे, नहीं तो आप इसे अलग से भी स्टीम कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों काम हो जाएंगे, हमारे मसाले भी पक जाएंगे और ये स्टीम भी हो जाएगा। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है, मैंने एकदम स्लो फ्लेम पे किया है। आप देख सकते हैं नीचे जो टमाटर यहाँ पे हल्के हल्के बुलबुले उठ रहे हैं, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे किया था। अब यहाँ पे जो स्टीम की है उसे चने को हमने हटा लिया है, चने की प्लेट को, और गैस का फ्लेम यहाँ ऑन कर देते हैं, क्योंकि जब भी आप प्लेट हटाएं तो गैस का फ्लेम ऑफ करके हटाएं, नहीं तो हाथ जलने का डर रहेगा। और जो कटोरी की पानी रहती है उसे इस ग्रेवी में हम डाल देते हैं। देखिए ग्रेवी भी अच्छी तरह से यहाँ पे जो टमाटर अच्छी तरह से कुक हो गए हैं और ग्रेवी भी बहुत ही शानदार यहाँ पे बन के तैयार हुई है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी क्रीमी क्रीमी हमारी ये ग्रेवी बन के तैयार हो जाती है। तो हमने जो चने की प्लेट को हटाया है उसे हमने फ्रिज में रख दिया था ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए। ठंडी हो जाने के बाद ही आपको इसे कट करना है। तो देखिए ठंडी हो जाने के बाद इस तरह से आपको कट कर लेना, बहुत ही आसानी से यहाँ पे कट हो जाता है। स्टीम करने में थोड़ा सा समय लगता है, 10 मिनट, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी बन जाती है सब्ज़ी। तो देखिए कितनी आसानी से निकल गई, क्योंकि प्लेट को हमने अच्छे से तेल से ग्रीस किया था। आप इसे इसी तरह से भी इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ स्टीम की हुई चने को डायरेक्ट डालूंगी, आप इसे फ्राई करके भी सब्जी में डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और इन्हांस हो जाता है। तो देखिए मैंने इसे ढक के थोड़ा सा और कुक कर लिया था, थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद मसाले को। अब इसमें जो हमारे काले चने की बड़िया है उसे हम इसमें ऐड कर देते हैं। आप इसे बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं टाइट कंटेनर में, और जब मन जब चाहे इस तरह से ग्रेवी बनाएं और इसे इसमें डाल के खा सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी और लजीज हमारी ये सब्जी लग रही है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आपको। ये रोटी और पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है और सब्जियों के चावल के साथ भी अच्छी लगती है। अब इसमें आधी चम्मच हम यहाँ पे गरम मसाला डाल देते हैं और इसे मिक्स कर देते हैं, और थोड़ा सा आधा कप पानी और हम इसमें डालेंगे, क्योंकि बड़ियों में मसालों का स्वाद नहीं गया है दोस्तों, टमाटर का, इन ग्रेवियों का, तो थोड़ा सा स्वाद जाने के लिए इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे आधा कप, और इसे लो फ्लेम पे अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए और इसे हम उबलने देंगे, कुक होने देंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स करके इसे फिर से ढक दें 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद देख सकते हैं हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है बनकर, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी, बहुत ही मज़ेदार की लग रही है, बहुत ही लजीज है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ जिससे इसका फ्लेवर और
बढ़ जाए, नहीं तो आप धनिया की पत्ती से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। लग रही है ना बहुत ही मज़ेदार और लजीज। चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी है, ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपके कमेंट का ज़रूर इंतज़ार करूँगी और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को।